पे आके अगर आपको सब चीज़ें मिल जाए ना कि आप जो चीज़ चाहते थे, फिर आप रुक के सोचते हैं अब व्हाट इज़ नेक्स्ट। एक तो ये, और मटेरियलिज्म का खैर कोई एंड नहीं है, कोई वो तो दौड़ लंबी है, लेकिन एंड ऑफ द डे पर्पस जो है, जहाँ पर आके आपका रुक जाता है ना थोड़ा सा और सोचते नहीं दिस इज़ ऑल वी हैव अचीव्ड और दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू डू, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट। और दूसरा है कि जब इतना पैसा आ जाता है तो आपके पास टाइम भी होता है, एंड दिस आस पास कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो शायद दोस्त ना हो लेकिन दोस्त लगते हैं, एंड दे आर डेंजरस पीपल आई थिंक, जो मुझे मीडिया से जितना मैं समझता हूँ और जो देखता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा बचपन के दोस्त, पुराने दोस्त, जो अनकंडीशनल फ्रेंडशिप होती है ना वो एक अलग चीज़ होती है, जी। लेकिन कंडीशनल फ्रेंडशिप जो हो जाती है ना कि हाँ ये पैसे वाला है चलो यार इसकी दो तारीफ़ें करेंगे, और जितने ज़्यादा चापलूसी और उतना ज़्यादा आप आगे पीछे फेरते हैं किसी के, तो उनको भी अच्छे लगते हैं वो लोग जो कि आपको आपको प्रेज करते हैं, आपको तारीफ़ें करते हैं, फिर वो गलत डिसीजंस की तरफ भी ले जाते हैं और गलत एडवाइजेस भी करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत मशवरे सुन भी लेते हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। होता है ना छोटी सी खुशी, और ये ड्रग्स करती भी क्या है कि वो बेसिकली बड़े इजीली आपको हैप्पीनेस के वो दे देती हैं, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस तो वो, और शायद इतनी हैप्पीनेस के आप अब इस वक्त नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक दो दफ़ा ये मिलती है तो फिर उसका एक कंडीशनिंग हो जाती है, फिर आप चाहते हैं कि ये रिपीटेडली हो। तो बड़े बड़े एक्ट्रेस जो हैं ये करते रहे हैं, कुछ लोग इसलिए भी करते हैं बड़े उस पर जाके कि चलो ये वेट लॉस में हेल्प करेगी, हमारा वज़न बढ़ रहा है, कुछ इसलिए भी करते हैं जो डांस वगैरह जैसे माइकल जैक्सन, या जो कहते हैं हाइपर एक्टिव होंगे हम और ये एम्फेटामिन यूज़ करेंगे तो हम डांस परफॉर्मेंस हमारी बेहतर हो जाएगी, कुछ इसलिए भी करते हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म पे जब स्टेज पे जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चले आता है, जब वो ड्रग्स लेते हैं दे कैन स्पीक एंड डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं और ईजिली बात कर सकते हैं क्योंकि दे गेन फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस, और जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी और ईजिली वो कर सकेंगे कॉन्फिडेंटली तो उसमें उनको ज़्यादा प्रेज मिलेगा। और तो ये बहुत से मल्टीपल रीजंस हैं आई थिंक मीडिया में जो कि मैं समझता हूँ कि गलतियों की तरफ ले जाते हैं, और फिर गलतियाँ जो हैं वो ऐसे स्टेट की तरफ ले जाती हैं जहाँ डिप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि डिप्रेशन और साथ में एन्जाइटी और साथ में इंसॉमनिया, जब नींद के प्रॉब्लम्स और फिर डिप्रेसिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स और फिर साथ में सुइसाइड रिस्क ये बाद में आता है। तो हाईस के बाद लोस का आना बड़ा कॉमन है, बिल्कुल ठीक इवन कह रहे हैं, पैराशूट जंपिंग को ले लें, बिल्कुल ठीक ट्रिपल कह रहे जंपिंग का, और कहते हैं कि हैं। जब आप पैराशूट जंपिंग करते हैं उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है, तो फौरन जब पैराशूट से जंप करके ग्राउंड टच करते हैं उसके बाद एक बहुत यूफोरिक फीलिंग आती है, जी। एड्रेनलिन रश होता है, और साथ में फॉर फ्यू आवर्स टू अ डे जो है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। उसके बाद तकरीबन 6 डेज टू 9 डेज का टाइम आता है कि आप बिल्कुल डिप्रेशन की फेज में चले जाते हैं, जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है। तो बात ये जब आप कोई खुशी खरीद रहे होते हैं ना तो एंड ऑफ द डे वो उसके बाद पे भी कर रहे होते हैं, ये क्रेडिट कार्ड ही है कि आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जी, आपको मेरी राइट फ़ौरन ने जी ना प्योर डिज़ाइनर बैग कुछ भी चाहिए आपको मिल गया, बाद में 14-20% इंटरेस्ट रेट तो देना है ना उसके ऊपर, वो पे भी करना ही बाद में वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा लेके है। जाएगा, एग्जैक्टली, मतलब टाइम बीइंग तो आपका डोपामिन जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बट ये कि इवेंचुअली आपको जो है उसके लिए पे करना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, इसके